हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज व्लॉग। फ्रेंड्स, कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद ना कृष्ण जी की होती है छठी। तो मैंने बनाए थे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट वाले पेड़े, और ये मैंने अपनी लाइव में बनाए थे। और फिर मैं अपने ठाकुर जी को ना ले करके कहीं गई। अभी ये कोई प्लान नहीं था फ्रेंड्स, बट मैं जब डेली सुबह मंदिर जाती हूँ ना, तो मेरे जो पंडित जी हैं उन्होंने बोला कि मैम आप छठी के दिन अपने ठाकुर जी भी लाइएगा, एक साथ भोग लगा करके पूजा करवाइएगा और फिर ले जाइएगा। और इस तरीके से मैं लेकर के गई फ्रेंड्स। और अभी बड़ी वाली बेटी भी आई हुई है, तो वो भी साथ में थी। तो आप लोगों ने ठाकुर जी की छठी में क्या क्या किया वो मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो बस दिमाग में आया कि भाई मथुरा के पेड़े हैं वही बना सकती हूँ, तो मैं वो लेकर के गई। पहले मैंने यहाँ पर अपने ठाकुर जी बैठा दिए। पंडित जी ने बताया कि आप अपने ठाकुर जी वहीं बिठाइए जहाँ पर मंदिर के ठाकुर जी हैं, एक साथ ही उनका पूजन होगा। और तब तक मैं लेट हो गई थी, तो आरती यहाँ ऑलरेडी भोलेनाथ की चल रही थी। यहाँ पर देख सकते हो बच्चे कितने सारे आ गए हैं, वो कोने में जगह है ना, वहाँ पर ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ है। मैं लेट हो गई फ्रेंड्स, अदरवाइज मैं आरती के वहाँ अंदर होती, पर अब बीच में घुसना मुझे अच्छा नहीं लगा। बस छोटी मोटी क्लिप जो शूट कर पा रही हूँ वो कर रही हूँ, और बस बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से कोई भी फेस्टिवल अगर भगवान के साथ आप लोग मनाते हो। और मेरा काम तो फ्रेंड्स पूरे दिन बिजी रहता है, कभी क्लास का काम, कभी लाइव का काम, और उनमें से भी कैसे तैसे समय निकाल करके मैं ये चीज़ें करती हूँ। और ये देखिए मैं अपने ठाकुर जी को यहाँ बिठा रही हूँ, और यहीं पर सभी का पूजन होगा। 2-4 और भी लेडीज़ अपने ठाकुर जी को लाई थी फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने जन्माष्टमी के दिन पूजा की थी। आपको ध्यान हो तो यहीं पर केक कटिंग वगैरह हुई थी। तो ये है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का मंदिर है, और ये मैंने जो पेड़े बनाए थे वो भी रखे हो फ्रेंड्स। यहाँ पर ना बहुत सी लेडीज ना कुछ कुछ लाई थी, और कुछ ने बोला कि कड़ी चावल बनता है छठी पर, तो वो भी बनाए थे, मालपुए बनाए थे, खीर बनी थी, पूड़ी बनी थी। तो मतलब यहाँ से जाते जाते ना मेरा डिनर ना ऑलमोस्ट हो गया था घर जाके। उस वक्त उस दिन मैंने सच में खाना नहीं खाया था फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही पेट पूरा भर गया था, ये देख सकते हो आप। और इसके बाद पूजन शुरू हुआ, तो जो जोड़े में होता है ना फ्रेंड्स वही पूजन में बैठते हैं। मेरे हस्बैंड तो उस वक्त तक ऑफिस से ही नहीं आए थे। यहाँ पर देख सकते हो पूजन सभी ठाकुर जी का एक साथ हो रहा है, और ये सारे पकवान ना अभी बटेंगे जो रखे हैं ना, पकौड़े, मालपुए, पेड़े वगैरह सब यहीं एक साथ रखा था। एक साथ पूजन हुआ, फिर ये सभी भक्तगणों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और मेरा तो काम फ्रेंड्स इसी चलता है, यहाँ से गई, अपने काम किए, क्लास का काम आजकल मैं 11 बजे तक कर रही हूँ। मेरा जो नया मास्टर कोर्स लॉन्च हो गया है उसका काम, लाइव क्लासेस के समय के साथ बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बीच में कुछ टाइमिंग भी चेंज करी, बट वापस फिर वैसे ही कर दी, क्योंकि 2 टाइम लाइव आने पर बिल्कुल भी समय नहीं बच पा रहा था। तो अभी मैं दोपहर 1:30 बजे के करीब ही 1:40 पर लाइव क्लासेस पर दोनों पे आ रही हूँ, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ 23 सितंबर से मेरा मास्टर कोर्स बेकिंग का भी लॉन्च हो चुका है, जिसकी अभी ऑफर प्राइस वैसे तो नहीं चल रही थी 3 तारीख तक थी, बट बहुत रिक्वेस्ट की वजह से अभी 5 तारीख तक उसकी लिमिट जो है वो बढ़ गई है। तो आप 5 सितंबर तक 1200 रुपीज़ दे करके अपनी ऑफर प्राइस में सीट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कड़ी चावल वगैरह सब बट रहा है, मैंने भी थोड़ा थोड़ा खाया फ्रेंड्स, ठाकुर जी की छठी है तो छोड़ती कैसे, वो भी सब खाया। और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हल्की सी पूजा हुई। और यहाँ देखो मेरा बेटा भी खूब मस्ती कर रहा है। लास्ट में फ्रेंड्स आरती वगैरह हुई, हम लोगों ने झूला वगैरह ठाकुर जी को झुलाया, थोड़ी आरती वगैरह उतारी, और इस तरीके से मैं 8:30 के करीब रात को घर आ गई थी। और फिर और लोगों के लिए डिनर बनाया, और इस तरीके से मेरा छठी वाले दिन का जो संडे को थी वो पूरा जो टास्क था जो काम था वो हुआ। तो मैं तो फ्रेंड्स अपना पूरी लगन पूरी मेहनत के संग काम करती हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि कभी कोई आगे बढ़े तो किसी को भी ना हजम नहीं होती वो चीज़ें। तो ऐसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी लोग हैं जिनको मेरी उन्नति, मेरी प्रोग्रेस, मेरा काम मतलब देख करके ना जलन या पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है कि मैं कोई कोर्स लॉन्च करती हूँ तो वो उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, मैं कोई क्लास लेती हूँ तो वो उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं। जबकि मैं तो ज़रूरत भी नहीं समझती फ्रेंड्स कि उनकी बातों का जवाब भी दूँ, क्योंकि अगर मैं भी वही करने लगी तो मैं फिर उन्हीं की तरह उस कीचड़ में गिर जाऊंगी। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं है, दिखता मुझे सब कुछ है, बट ये है कि मैं उनको जवाब देना जरूरी समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ में मेरे काम के बीच में कोई मायने ही नहीं रखते। तो मेरा तो यही मानना है फ्रेंड्स, और बस इसी थॉट के साथ मैं आगे लगातार बढ़ती रहूंगी, और वो लोग पीछे बस मेरी बैक पिचिंग करते रहेंगे तो करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी जो केक दिखाया था ना वो फ्रेंड्स मैंने लाइव क्लास में बनाया, ब्लूबेरी का, और ये लेपर्ड ब्रेड भी मैंने अपनी लाइव क्लास में बनाई थी। बट बहुत सी चीज़ें ना मैं वहाँ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि चीज़ें गर्म होती हैं,
तो नेक्स्ट डे कट करती हूँ, उनके शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ और सभी लोग बोलते हैं मैम वीडियो बना के डाल दीजिएगा। तो ये लेपर्ड ब्रेड का ना कटिंग का वीडियो मेरे पास था, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई अंदर टेक्स्चर ऐसा होता है। हालांकि मैंने ये ब्रेड गर्मा गर्म भी कट की थी, बट वो उस समय अच्छे से नहीं दिख पा रही थी क्योंकि ब्रेड ना ठंडे होने के बाद ही बढ़िया से कटती है, तभी अच्छे से उसका रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, बहुत सारी बेकिंग की, ब्रेड्स की, डोनट्स, कुकीज़, पफ पेस्ट्रीज, खावरी, फंडेंट बनाना, मैक्रून बनाना, चीज़ केक और भी चॉकलेट से रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत सारा काम है। अभी तो मैं सारी जानकारियाँ नहीं दे पाऊंगी एक एक की, तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको सारी डिटेल जानकारी दे दूँगी। यहाँ पर देख सकते हो ब्रेड कितनी लाजवाब बनी है फ्रेंड्स। और ये सारे काम करने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठती हूँ, अपनी चीज़ों का सही से रख रखाव, उनकी साफ़ सफाई, ये सब भी मैं काफ़ी करती हूँ। और यहाँ पर मेरे लाइव क्लास के बाद ना बहुत सारी गंदगी हो जाती है मेरे सेटअप में, तो उसमें हेल्प करता है मेरा ये अगारो का स्पिन मॉप इलेक्ट्रिक वाला, और इसकी हेल्प से ना फ्रेंड्स मुझे गीला पोछा लगाना नहीं पड़ता। इसमें वाटर स्प्रे का सिस्टम है तो झटझट सफाई हो जाती है, प्लस जहाँ नीचे मुझे दिखता भी नहीं है ना, इसमें LED लाइट है तो वहाँ से भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो भाई मेरी बहुत हेल्प करता है ये अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप। और अगर आपको भी ये चाहिए, आप चाहते हैं कि अपनी कुछ इस तरीके की सफाई करना जिसमें मेहनत ना हो, तो आप इसे ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, फटाफट जाइए और क्लिक कीजिए। और ये सब करने के बाद फ्रेंड्स फिर से एक 40 पर अपनी लाइव क्लास को आपके लिए लेकर आती हूँ, और हर नया दिन कुछ नया सिखाती हूँ, नए नए टिप्स बताती हूँ। यहाँ पर जो केक बन रहा है ना, दरअसल ये था जन्माष्टमी के दिन का, तो मुझे दो केक बनाने थे, एक मटकी केक और ये किसी का ऑर्डर का था, तो मैंने कृष्णा का केक बना कर दिया, तो बहुत ही प्यारा सा शेड था। बहुत कमेंट आए थे मैम इसकी डिटेल वीडियो अगर है तो जरूर देना, क्योंकि हम लाइव नहीं देख पाए हैं उस दिन क्योंकि जन्माष्टमी थी तो सभी बिजी थे। तो मेरी कोशिश रहती है फ्रेंड्स जितना हो सके मैं शूट कर पाऊँ और आपको यहाँ पर भी कुछ डिटेल दिखा पाऊँ। यहाँ पर ना मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बना करके उसकी क्रम कोटिंग की थी, और अभी ना थोड़ी सी शेडेड क्रीम के साथ मैं इसकी फाइनल आइसिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने येलो और ब्लू कलर की क्रीम ली थी, और कृष्णा जी के कलर शेड बनाने के लिए ना फ्रेंड्स मैंने ग्रीन में हल्का येलो भी मिलाया, तो देख सकते हो नियॉन शेड बन गया और बहुत ही सुंदर इससे डिजाइन मेरी बनी थी। फिर मैंने क्या किया, दोनों क्रीम्स को ना अलग अलग पाइपिंग बैग्स में फिल किया और आधा आधा करके केक की आइसिंग की। तो अगर आपको भी शेडिंग वगैरह केक पर करने में अच्छा लगता है तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा। और इस समय ना पाइपिंग बैग में एकदम छोटू सा छेद कट करना, बहुत मोटा हो गया ना तो क्रीम ना पूरी स्मज हो जाएगी और एक्स्ट्रा निकल के पूरी डिजाइनिंग आपकी खराब हो जाएगी। तो मैंने नियॉन शेड ग्रीन वाला जो था वो हाफ नीचे की तरफ लगाया और फिर लगाया ब्लू शेड, बिल्कुल भी इनको स्मज नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही मैंने साइड्स कर ली। और ऊपर की तरफ ना मैंने एकदम व्हाइट रख करके ही स्मजिंग की थी। अभी कंप्लीट लुक आपको पूरी दिखाऊंगी, और फ्रेंड्स शेडेड वाले रोजेट भी बनाए थे, सारा कुछ डिटेल बताऊंगी तो वीडियो स्किप मत करना, यहाँ भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये देखिए अभी मैंने प्लेन ब्लू और नियॉन शेड जो मैंने बनाया था उसको अप्लाई किया, थोड़ी सी ब्लू क्रीम जो बच गई थी वो मैंने ऊपर लगा दी क्योंकि मुझे ना ऊपर थोड़ा लाइट शेड चाहिए था। फिर मैंने लिया फ्रेंड्स व्हाइट कलर का क्रीम, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी स्प्रेड कर दिया इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने फिर पैलेट नाइफ लेकर के पहले ऊपर की क्रीम को स्मज किया। जब भी आपको केक के ऊपर आइसिंग करनी होती है ना, हमेशा आप ऊपर की क्रीम को स्मज कीजिए पहले और फिर उसके बाद साइड की। पैलेट नाइफ से हल्का सा स्प्रेड करने के बाद मैंने लिया स्क्रैपर और हल्के हाथों से बस रोटेट करते करते मैंने ये पूरी स्मजिंग और शेडिंग कर दी। ऊपर मैंने स्क्रैपर से एक पैटर्न भी बना लिया। तो अब आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो केक की कलरिंग है वो बिल्कुल मोर पंखी और कृष्णा जी जैसी लग रही है ना, और अभी तो इसको जब मैं पूरा डेकोरेट करूंगी ना तब आप देखिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिप्स भी बनाई, क्योंकि जिनका ये केक था ना उनको लबालब चॉकलेट का गनाश वगैरह चाहिए होता है, तो इस केक में तो मैं गनाश नहीं डाल सकती थी पूरे में, तो मैंने ड्रिप्स बना करके इस केक को भी हाईलाइट किया और कृष्णा जी की थीम को भी मेंटेन किया। और ये देखिए साइड में भी स्क्रैपर से पैटर्न बनाया मैंने, और एक्स्ट्रा क्रीम सारी ही रिमूव कर दिया, जिससे केक में कितनी प्यारी देखिए फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया चॉकलेट गनाश, उसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया और धीरे धीरे केक की साइड्स में रैंडम ड्रिप्स बनाई, कहीं मतलब ऊपर कहीं छोटी कहीं बड़ी ड्रिप्स इस तरीके से मैंने बनाई, और एक धीरे से सर्कल बना दिया ताकि किनारों पर ये जो ड्रिप्स है वो पार्ट आ जाए और फिर मैं अपनी जो डिजाइनिंग बनू उसे ये हाईलाइट हो जाए। तो आपने कृष्णा जन्माष्टमी के दिन फ्रेंड्स कितने केक के ऑर्डर पूरे किए मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरी लाइव क्लासेस में ना कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैम मुझे 20 ऑर्डर है, मुझे 15 ऑर्डर है, तो भाई इतने तो नहीं बट हाँ 3-4 तो मैंने भी पूरे किए थे। और यहाँ पर जितनी भी क्रीम बची थी ना फ्रेंड्स उसमें डाला मैंने ब्लू कलर और एक थोड़ी सी ग्रीन कलर की क्रीम भी बच रही थी, तो दोनों ही क्रीम को ना मिक्स करके मैंने भरा पाइपिंग बैग में जिसमें लगाया N1 नोजल,
और इससे ना अभी देखिएगा कितने प्यारे रोजेट बनेंगे। तो अगर आपकी क्रीम भी इस तरीके से किसी शेडेड केक में बच जाए तो एक साथ पाइपिंग बैग में हाफ हाफ करके फिल करके ना एनुअल नोजल लगाइए, उससे देखिएगा कितना प्यारा इफेक्ट आएगा। ट्रायल के लिए फ्रेंड्स मैंने देखिए स्पैचुला पे भी बनाकर दिखाया। अब आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से हाफ हाफ रोजेट बनाते जाने हैं, मतलब पहले रोजेट का एंड जहाँ छोड़ो नेक्स्ट रोजेट वहीं से बना लो, और पाइपिंग बैग को ट्विस्ट नहीं करना है। ऐसे करने से ग्रीन शेड एक ही जगह पर आएगा, ब्लू शेड एक ही जगह पर आएगा, और कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं होगा, बहुत ही अच्छे और सिस्टमैटिक वे से आपको दिखने वाला है। तो ये देख सकते हो कितनी प्यारी रोजेट की लड़ लग रही है, और धीरे धीरे मैं बनाती जा रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर ना बिल्कुल जब एक रोजेट बचा ना तभी क्रीम हो गई फिनिश, और जैसे तैसे करके मैंने उसको कवर किया, सोचा वहाँ पर कुछ लगा लूंगी। बट कभी कभी ऐसे ही होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर क्रीम खत्म होती है, बस उस स्टेज पर ना आप क्रीम विप कर सकते और ना उसी में से काम कर सकते। तो ये रोजेट जो बचा था ना, ये भी लेकर के मैंने कैसे तैसे इसको पूरा किया, और अब आप देख सकते हैं उसकी कंप्लीट लुक, ये कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास कृष्णा जी के स्टिकर थे तो मैंने वो कट करके लगा दिया। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स मतलब बोलने वालों ने छोड़ा नहीं कि मैंने किसी का देख करके स्टिकर लगाया। अगर आप मेरे को जानते हैं, मेरे जान को देखते हैं, तो मैंने लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर 3 साल से मैं ऐसे ही कृष्णा के स्टिकर और बांसुरी और मोरपंखी ये लगाती आ रही हूँ। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर तमाम ऐसे काम लोग कर रहे हैं, और मैं खुद इस तरीके के फ़ोटो वाले स्टिकर्स लगाती हूँ। तो मतलब कितनी छोटी लोगों की सोच है, मेरे समझ में नहीं आता कि कहाँ जा रही है सोच। ऐसा करते करते वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा तो खैर क्या ही करेंगे। और मैं तो फिर भी फ्रेंड्स उनको बोलूँगी कि वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से करिए और करिए, क्योंकि बोलते हैं ना जितना आप मुझे ट्रोल करेंगे मैं उतनी ही आगे जाऊँगी। तो भाई कीप डूइंग, कीप ट्रोलिंग करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर मेरा केक देखो इसी जद्दोजहद में, इसी भाग दौड़ में रेडी हो गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो इसी को देख करके फ्रेंड्स खुशी मिलती है। आपको ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड फाइनली फ्रेंड्स मैंने इस पर सिल्वर लश्कर डस्ट का स्प्रे कर दिया, जिससे और भी गजब की शाइन आ गई। प्लस रोजेट्स के बीच बीच में मैंने सिल्वर बॉल्स लगाए थे, क्योंकि गोल्डन इस पर जा नहीं रहे थे तो मैंने सिल्वर बॉल्स लगाए, और मेरा केक हो गया था ये रेडी। तो ये लाइव क्लासेस में फ्रेंड्स शेयर करती हूँ, बट लाइव क्लास में मेंबर्स पर शिफ्ट करती हूँ तो बहुत से लोग देख नहीं पाते, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और मेंबर्स पर भी ना शिफ्ट करने का एक ही रीज़न है, सारे लोग ना लाइव क्लासेस को थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि उनको लगता है बाद में देखा जा सकता है, तो वो लोग उनमें नहीं आते और ना हमें मोटिवेट करते। भाई हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोटिवेशन से ही ना आदमी को लगता है कि उसके एफर्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, पसंद आ रहे हैं लोगों को, तो उन्हें उन पर और काम करना चाहिए। और इस तरीके से फ्रेंड्स मैं डेली लाइव क्लासेस में ऑर्डर्स पूरे कर रही हूँ, आपको बहुत सी कुकिंग और बेकिंग सिखा रही हूँ। तो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस देखते हैं, ये ब्लॉग्स वगैरह मेरे पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।